अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं पीछे से दिख रही हूँ आईने में, और आज है संडे। शिबान भी अभी सो के उठे हैं, और आज मैं बनाने वाली हूँ दम बिरयानी। डबल दम मैं इसको दूंगी, और जो बनाऊंगी वो कच्चे मसाले में बनाने वाली हूँ, कच्चे मसाले की, कच्चे गोश्त की, जो भी आप बोल सकते हो। और मैं चिकन यूज़ करने वाली हूँ, तो बहुत ही अच्छी बनती है। थोड़ी मेहनत है उसमें, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए फिर मैं जल्दी से बनाना स्टार्ट करती हूँ और आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये मैंने ली हूँ 1/4 किलो जितना चिकन है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और ये विद बोन है चिकन। अभी इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लेंगे। ये है 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये पूरा इसमें डाल देंगे अच्छे से पोंछ के। और ये कुछ ड्राई स्पाइसेस है, इसमें जो धनिया पाउडर है वो 2 टेबलस्पून भर के है, रेड चिली पाउडर है 2 टेबलस्पून भर के, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून भर के, नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून, और हल्दी भी है 1/2 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा है। ये सारे ड्राई स्पाइसेस मैं इसमें डाल दूँगी। और इसमें ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं अगर आप चाहे तो, ये ऑप्शनल है। लेकिन ऐसा थोड़ा सा मैंने डाल दिया, बस 1 टीस्पून जितना। और इसमें मैं अभी डाल दूंगी ये ग्रीन चिलीज़ है 7, इसको मैंने ऐसे बीच से कट लगा ली हूँ। और ये है कर्ड, ये फ्रेश कर्ड है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, ये 150 ग्राम जितना है। ये भी इसमें मैं डाल दूंगी। और ये 5 छोटे साइज़ के टमाटो थे, और ये फ्रेश पुदीना है, फ्रेश कोथमीर है, ये भी पूरा मैं इसमें डाल दूंगी। कोथमीर पुदीना आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अभी मैं इसमें डाल दूंगी ये पूरा, एक अच्छा रस वाला नींबू लेना है, ये उसका जूस है, ये डाल दूंगी मैं इसमें। और अभी ये मैंने 8 कांदा मीडियम साइज़ की थी, इसका मैंने ऐसे बिरिस्ता बनाई हूँ। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी है, ये हाथ से ही ऐसे चूरा हो जा रही है, ऐसे ही बिरिस्ता बनाना है। ये भी पूरा मैं इसमें डाल के मैरिनेट कर दूँगी। देखिए मैंने इसको ऐसे हाथ से चूरा कर ली, अब ये पूरा मैं इसमें डाल दूंगी और अपने हाथ से अच्छे से पूरा मिक्स कर लूंगी चिकन को। देखिए ऐसे पूरा अच्छे से पूरा मसाले में अच्छे से मिला लेना है। इसको मैं अभी 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 3-4 घंटे भी रख सकते हो मैरिनेट करके फ्रिज में। देखिए ऐसे पूरा मैरिनेट हो जाएगा ये अच्छे से, ऊपर नीचे करके बताती हूँ। देखिए मसाले को मैंने ऐसे अच्छे से मिला ली हूँ, आप देख सकते हो। अभी मैं इसमें कोयले का दम दे दूँगी, ये मैंने कोयला रखी हूँ। अगर आप फ्रिज में रखोगे ज़्यादा टाइम के लिए तो कोयला हटा के 15-20 मिनट इसमें रखना कोयला, फिर उसके बाद कोयला हटा के इसको फ्रिज में रख देना। इसमें ऐसे घी डाल दूँगी और इसको ढक के रख दूँ। यहाँ पर मैंने चावल ले ली हूँ, जो बासमती राइस होता है बिरयानी का, ये थोड़ा छोटी साइज़ का है, तो अभी मैं इसको भिगा दूँगी 15 मिनट के लिए, और पानी डाल दूंगी।
पर मैंने 2 लीटर जितना पानी रखी हूँ बॉयल होने के लिए, और ये कुछ खड़े मसाले ली हूँ, ये ऐसे 3 तेज़पत्ते हैं, थोड़ी सी शाहजीरा है, एक ये फ्लावर है, एक बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची और नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सब मैं पानी में डाल दूँगी ताकि पानी में इसका पूरा फ्लेवर आ जाए। और ये पूरा जो चावल है ये भी डाल दूँगी और ढक के रख दूँगी, पूरा अच्छे से डाल दूँगी पोंछ के। और यहाँ पर चिकन को देखते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया मैरिनेट करते हुए। अभी मैं ये जो कोयला है ये बाहर निकाल दूँगी। देखिए मसाला कितने अच्छे से चिकन में लपेटा हुआ है और ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब चाहे तो इसमें आलू बुखार भी डाल सकते हैं जो मिलते हैं ड्राई वाले, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाली। इसको मैं ऐसा ढक दूँगी जोश आने के लिए। और ये वही तेल है जिसमें मैंने अनियन फ्राई की थी, बस ये ज़रा सा तेल लूँगी, गैस का फ्लेम ऑफ है। अभी मैं ये पूरा मैरिनेटेड मसाला इसमें डाल दूँगी और तेल में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए ऐसा, एक हाथ से कैमरा पकड़ी हो, एक हाथ से आपको बता रही हूँ। पूरा अच्छे से पोंछ के डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, गैस का फ्लेम ऑफ ही है क्योंकि जब मैं चावल डालूँगी तभी गैस को चालू करूँगी। अभी देखो पूरा ऐसे बस तेल में मिक्स कर दीजिए, इतना अच्छे से कोट हो गया है मसाला चिकन में और बहुत अच्छी सी इसमें फ्रेगनेंस भी आ रही है जो मैंने दम दी थी। ऐसी रख दूँगी फैला के इसको। और अभी मैं इसमें डालूँगी ये आलू, इसको मैंने ऐसे ही कट करी हूँ, एक आलू के जैसे 4 पीसेस ऐसे लंबे में कट करी हूँ क्योंकि ये कच्चे मसाले की बिरयानी है, अगर बड़ा बड़ा आलू कट करूँगी तो ये अंदर से गलना रह जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे कट करके फ्राई कर ली थी। और इसको भी मैं ऐसा लेयर की तरह इस पर फैला दूँगी मसाले के ऊपर, यानी नीचे पूरा मसाला है, सेंटर में आलू है ऐसा, और इसके ऊपर जाएगा चावल। देखिए बस ऐसे। अब ये जो मसाला है ये दम पे ही पकेगा, इसको मैंने ज़रा भी पकाई नहीं हूँ। ये दम पे जैसा जो चावल पकेगा दम आएगा वैसे ही मसाला भी पकेगा। और यहाँ पर मैंने ली हूँ थोड़ा सा दूध और इसमें मैंने डाल दी हूँ थोड़े से केसर के ऐसे पंखड़ियाँ, ये भी डालना है बिरयानी में। और ये देखते हैं चावल को जब तक, अभी ये थोड़ा जोश आने में है, तो जोश आने में है तो अभी मैं गैस का फ्लेम ऑन करती हूँ और गैस स्लो पे है और इसको मैं ज़रा भी नहीं हिलाऊँगी। मैंने गैस को ऐसे 5 मिनट्स के लिए फास्ट करके स्लो कर दी हूँ। देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं और ये बस ऐसे ही स्प्रेड रहेगा, इसको ज़रा अभी मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि अभी ये जो चावल है वो जोश आ जाएगा, तो कच्चा पक्का ही चावल डालना है क्योंकि पूरा दम आएगा इसी में। देखिए चावल में बबल्स आ रहे हैं, मैं इसको हिलाऊँगी और अभी चावल को बराबर से ध्यान से पकाना है, ज़्यादा गल नहीं जाए। अभी ये कच्चा ही है, एक्चुअली बासमती राइस में ज़्यादा स्टार्च होता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसे भिगाना भी पड़ता है। और यहाँ पर देखिए मसाला पक रहा है नीचे से, क्योंकि ज़रा भी मैं इसको भूनने वाली नहीं हूँ, कच्चे मसाले की बिरयानी है इसलिए ये बस वही भाप में पकेगा, स्लो पे है एकदम।
देखिए चावल अच्छे से बॉईल हो रहा है और अभी ये 60% हो गया है, तो अभी मैं गैस का फ्लेम ऑन ही रखूँगी, ये ऐसे पकते रहेगा और मैं छन्नी से उठा उठा के इसमें डालते रहूँगी बिरयानी के मसाले में। यहाँ पर इसका ढक्कन हटा दूँगी, अभी एकदम ध्यान से करना है सब। देखिए ये मसाला भी पक रहा है, ये चावल मैं ऐसे छन्नी से लूँगी, वहीं पे निथारूँगी और डायरेक्ट डालते रहूँगी, बॉईल में ही डालते रहना है आपको, कच्चे मसाले की बिरयानी में ऐसा ही करना पड़ता है। देखिए इसलिए इसमें गरम मसाले चावल में ऐड होते हैं। तो ये चिकन के साथ अच्छे से दम आएगा, फिर लास्ट में इसमें फिर से कोयले का दम आएगा क्योंकि ये दम बिरयानी है। और ध्यान से डालना है, भाप लगती है। देखिए ऐसे पूरा चावल अच्छे से मैं स्प्रेड कर लूँगी। इसी तरह पूरा डाल दूंगी। देखिए पूरा चावल मैंने अच्छे से फैला दिया। अभी इसमें ऐसा है जो नीचे वाले चावल है वो 60% है और जो ऊपर वाले है वो 80% है। अभी ये जो सैफ्रॉन मिल्क है वो डाल दूंगी मैं इसमें अच्छे से ऐसे। और एक चम्मच 1 टेबलस्पून भर के घी, अभी इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा ये फूड कलर, ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जो कलर चाहिए। ये ग्रीन कलर रह गया और ये है येलो कलर थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर थोड़ा मेरे पास कम पड़ गया, ख़त्म हो गया था। और ये ऊपर से फ्रेश कोरिएंडर और मिंट लीव्स। और ये जो बिरिस्ता बनाई थी उसी में का थोड़ा सा ऑनियन भी मैंने रखी थी ऊपर से डालने के लिए वो, और नमक वगैरह चावल में आप इस बराबर से चक्के डालिए वरना बिरयानी के चावल फीके लगते हैं। अभी इसमें मैं कोयले का दम दे दूँगी। देखिए मैंने ये वही कोयला ली हूँ जिसको मैंने पहले बगार दी थी, अब इसको ये कपड़ा लगाकर दम दे दूँगी। इसमें अभी मैं जाड़ा सा पोलपट रख दूँगी संगमरमर का ताकि ये अच्छे से, इसकी फ्रेगनेंस इसी में रहे और गैस का फ्लेम स्लो है। देखिए ऐसे और गैस का फ्लेम भी स्लो है। पहले आप 5 मिनट के लिए हाई रख सकते हो जब आप चावल डाल लेते हो पूरा, फिर स्लो कर देना है। ऐसे तो उसमें हीट आई जाती है क्योंकि मैंने चावल डालने के पहले गैस ऑन कर दी थी, तो आप स्लो पे भी रख के बना सकते हो। तो हो गए मेरे को 15 मिनट दम पे लगा के, चेक कर लेते हैं। देखिए हो गया है पूरा अच्छे से, इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आ गया है गर्म में। मैं हटा दूँगी। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है बिरयानी, आप देख सकते हो उसका एक एक चावल एकदम खिला खिला है। देखिए तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं।
तो देखिए कितनी अच्छी बिरयानी बनकर रेडी है। और इसका जो चिकन है मैं आपको हाथ से तोड़ के बताती हूँ, बहुत गर्म है देखिए, एकदम अच्छे से, देखिए आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये टूट रहा है, सब अच्छे से गल चुका है। तो आज की मेरी रेसिपी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।